नमस्कार सुप्रभातम अद्य दिवसस्य पञ्चाङ्गम् अद्य श्रीश्वेतवराहकल्पस्य वैवस्वतमन्वन्तरः तृतीयपरार्धः उत्तरायणः शीतऋतुः माघमासस्य कृष्णपक्षतृतीयतिथि रविवासरश्च युगाब्धद्वाविंशत्यधिकएकपञ्चाशत्शतम् विक्रम संवत् 77-2000 जनवरी मासस्य 31 तारिका अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मंगलमयं भवतु इति विपपदारविन्दयोः विनम्र प्रार्थना। आज की प्रेरणा, योग ही कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है और कठिनाइयों को दूर करने का तरीका भी सिखाता है। इसलिए आज से हम हर कठिनाइयों का योग से ही दूर करेंगे। बोध कथा रंतिदेव बोली जने राजा थिले। से लोक मानंकर मंगल पई सब बेले लागी पड़ी थिले ओ अतिथि मानंकर सेवा कला परे निजे खाउथिले। थरे से एकादशी व्रत पालन करी उपवास थिले। परदिन खाइबा को जाई समय रे जने लोक आसी राजा को खाइबा को मागिला। से ताकु निजर खाइबा जिनस तक दे देले। या परे राजा आउ थरे खाइबा को जाउछंती। एई समय रे जने लोक गोटे कुकुर संगरे आनी राजा को बिकळ रे खाइबा को मागिला। राजा निजर शेष खाइबा जिनस तक ताकु उतार कुकुर को दे देले। या परे राजा गिलासे पानी पीबा को जाउछंती। एही समय रे आउ जने लोक पहुँची राजा को पीबा पई पानी मागिला। राजा से ही पानी गिलास को ताको पीबा को दे देले। निजे न खाई न पी रहिले। भगवान तांकर ए प्रकार अतिथि सेवा देखी भारी खुशी होई गले। से तांको देखाई दे कहिले, हे राजा तुमर अतिथि सेवा रे मु आनंदित, की बर मागुछ माग। राजा कहिले, मु त सुखरे अछि, ए जगतरे समस्ते मो भली सुखरे रहंतु। भगवान तांको कल्याण करि चलीगले। अतिथि सेवा हेउछि प्रकृतरे भगवानकर सेवा। एही कहानीटीर शिक्षा, आमको अतिथि मानंकर सेवा करिबा उचित। काहेकिना अतिथि सेवा ही हेउछि भगवानकर प्रकृत सेवा। अस्तु।